हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का गाला असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का सेक्शन डी पूरा सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के सभी सेक्शन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है। सेक्शन नंबर डी के हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे बोला गया है स्टेट एंड प्रूफ डी थेल्स थ्योरम। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टेट और प्रूफ करना है थेल्स थ्योरम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम यानी उसका दूसरा नाम है बीपीडी थ्योरम। एग्जाम में आपको थेल्स थ्योरम या बीपीडी थ्योरम से क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, बी ई, या इस ट्राइंगल का नाम हमने दिया ए बी सी। ठीक है, हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन हमने जो गिवन था डी ई उसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, ए बी और ए सी लाइन को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद हमने बी, इसको नाम डी दे दिया है, इसका नाम ई दे दिया है। हमने बी ई लाइन को ज्वाइन किया है और डी सी लाइन को हमने ज्वाइन किया है। इसके बाद हमने क्या किया है, एक ए ई यानी कि ए ई और ए सी का परपेंडिकुलर एक ही होगा, उसके हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, डी एम ड्रॉ किया है, डी एम इसका नाम हमने एम दिया है। और हमने एक ए डी और ए बी के परपेंडिकुलर एन ई ड्रॉ किया है जो कि क्या कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर है ए डी और ए बी के, हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में स्टेट एंड प्रूफ दी थेल्स थ्योरम। ठीक है, हमें प्रूफ भी करना है और स्टेट भी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट कर देते हैं। तो स्टेट में हम लिखेंगे इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड देन दी अदर टू साइड आर डिवाइड इन दी सेम रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला गया है, देखिए अगर कोई एक लाइन है, अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक पैरेलल लाइन हमने किसी साइड के ड्रॉ किया हुआ है, तो जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दूसरे साइड के सेम रेशियो में उसको डिवाइड करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, डी ई, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में हम लिखेंगे क्या, हमें गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी यानी जो साइड का रेशियो है वो कैसा होता है, सेम। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसके बाद हमने गिवन लिख दिया, प्रूफ लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमें एक ट्राइंगल ऐसा चूज करेंगे जिसके अंदर ए डी साइड आता होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सी ट्राइंगल, यहाँ पे इस ट्राइंगल में ए डी साइड आता है। हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे ए डी ई और इसके एरिया का फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या फिर आप हाइट भी बोल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले थे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस, हमें क्या लेना है, ए डी इंटू हाइट। देखिए इसकी हाइट क्या है, इस ट्राइंगल में इसकी हाइट क्या है, एन ई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ई, एन ई। ठीक है, इसके बाद नीचे हमें कौन सी साइड चाहिए, डी बी चाहिए। ठीक, हम ऐसा ट्राइंगल चॉइस करेंगे जिसमें हमारा डी बी साइड आता होता है। ध्यान से देखिए,
डी बी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला साइड यहाँ पे आ रहा था, ये वाला ट्राइंगल चॉइस करेंगे। यहाँ पे हम बी डी ई, बी डी ई ट्राइंगल हम क्या करेंगे, चॉइस करेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी ई, इसको हम इक्वेशन नंबर वन लेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेज डी बी, और इसकी हाइट क्या है, देखिए ये हो गया हमारा बेज, इसकी हाइट क्या है, ये एनी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इन ट्राइंगल, हमने देखिए इसका ट्राइंगल ले लिया, इसका ट्राइंगल ले लिया, अब हमें क्या लेना है ए ई, तो ए ई कहाँ पे आता है हमारा, ए ई यहाँ पे आता है, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए ई डी, तो लिखेंगे हम ए ई डी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसका एरिया फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, तो ए ई डी, ठीक है, ए ई डी, तो इसमें हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ए ई है तो ए ई बेस लेंगे, ए ई इंटू हाइट, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, ये, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम। इसी तरीके से हम ई सी का लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए ई सी कहाँ पे आ रहा है, ई सी यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे ई सी बी, ई सी बी इक्वल टू हाफ इंटू बेज, बेज का लेंगे ई सी, लेंगे ई सी इंटू में हाइट, देखिए ध्यान से, इसके हाइट, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, ये डी एम, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फोर देंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको हम इक्वेशन नंबर टू देंगे। देखिए हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए ए डी अप वन डी बी, तो ए डी किस में था, इक्वेशन नंबर वन में था, और डी बी किस में, इक्वेशन नंबर टू में है, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन नंबर वन डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर टू करेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास ए सी, ए ई अप वन में ई सी चाहिए, तो ए ई कहाँ पे, ई ये रहा, और ई सी कहाँ पे, ई सी ये रहा, तो इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर को हम डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन थ्री एंड फोर। चलिए ध्यान से आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर वन क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेज इंटू हाइट, ठीक है, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी ई डी ई ये क्या था, हाफ इंटू बेज इंटू हाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर को भी डिवाइड करेंगे, ये क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इक्वल टू हाफ इंटू बेज इंटू हाइट अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी इक्वल टू हाफ इंटू बेज इंटू हाइट, ठीक है। देखिए ध्यान से, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, एनी एनी कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एम कैंसिल हो जाएगा, क्या आया यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट मिला, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे भी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमें दूसरा रिजल्ट मिला। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी भी आ गया और ए ई अपॉन ई सी भी आ गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल टू कब होंगे, देखिए ऊपर का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, इधर भी ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है, इधर नीचे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी भी है, ठीक है। ऊपर तो सेम है, नीचे अगर हम ट्राइंगल बी डी ई
और BDE की एरिया को और ट्राइंगल ECB की एरिया को और हम इक्वल कर दिए, इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल इक्वल कैसे होंगे। देखिए ध्यान से, हमें कौन कौन से ट्राइंगल को इक्वल करना है, हमें ट्राइंगल BTE और ट्राइंगल ECB यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को इक्वल करता है। देखिए स्टैंडर्ड 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ा जिसमें हमें बोला गया था कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है और जिसका बेस सेम है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के अंदर ट्राइंगल बन रहा है और जिसका बेस सेम रहेगा, ये ट्राइंगल का बेस सेम है, ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे, यानी कि ये ट्राइंगल का एरिया जो होगा और ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल ECB आर लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइन एंड हैव सेम बेस, उनका बेस कैसा है, सेम है, सो देयर एरिया आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है। इसको हम रिजल्ट नंबर कौन सा देते हैं, रिजल्ट नंबर इसको 5 देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट वी कैन से दैट हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है तो हमने फाइनल प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 47 समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 आता है हमारे सामने, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया टू ट्राइंगल सो दैट OA अपॉन OC एंड OB अपॉन OD, ठीक है। हमें क्या करना है, शो करना है एक ट्रेपेजियम ABCD है जिसके अंदर AB पैरेलल टू DC है, ठीक है। उसके अंदर AC और BD क्या है, डायगोनल। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, यानी हमें गिवन क्या है, देखिए हमें गिवन है कि AC एंड BD आर डायगोनल, ये क्या है, डायगोनल है। और क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू DC एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी AC, ठीक है, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये हमें दिया गया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ये हम फिगर देखते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे Z बन रहा है, जेड बन रहा है, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, कौन से क्राइटेरिया से, अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों कैसे है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल BDC, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला जेड बन गया, एक उल्टा जेड भी बन रहा है, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एंगल
BAC इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है, इक्वल क्यों इक्वल होंगे, ये है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे, तो अभी हम ट्राइंगल AOB और DOC में देखिए, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक एंगल कॉमन जो सेम है इन दोनों में, ये वाले ट्राइंगल में यानी ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसमें एक एंगल कॉमन है, यानी दो एक एंगल सेम है, दूसरा एंगल भी क्या है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल ABO इक्वल टू एंगल ODC, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ABO इक्वल टू एंगल ODC, ठीक है, ये मैं लिख दिया। दूसरा क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा क्या कॉमन है सेम है, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम है, हम लिखेंगे BAO इक्वल टू OCB। यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAO इक्वल टू एंगल OCD, ठीक है, ये क्या है सेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC आर सिमिलर। ये कैसे हुए सिमिलर होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC, ठीक है। जब ये ट्राइंगल सिमिलर रहे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि OA अपॉन में OC, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में, ठीक है, हमें पता है कि ट्राइंगल के साइड का रेशियो कैसा होता है, सेम होता है। ये वाले ट्राइंगल OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे बोला गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयस इन अ डे, ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयस एक दिन में प्रोड्यूस किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच टॉय इन रुपीस वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयस, ठीक है, एक कॉस्ट का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो एक कॉस्ट का प्रोडक्शन कितना होगा, जो भी 55 माइनस टॉय एक दिन में जितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है उतना होगा एक कॉस्ट ऑफ, यानी एक टॉय का कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, ठीक है, एक दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ 750 हुआ, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है, तो उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस हुए वो हमें फाइंड करना है। चलिए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में नंबर ऑफ कुछ नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक टॉय का जो कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखे कॉस्ट ऑफ अ टॉय, यानी एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है, यानी कि एक टॉय का जो कॉस्ट है कितना है 55 माइनस एक दिन में कितना टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक दिन क्या हुआ, टोटल जो टॉय प्रोड्यूस हुए कितने उनका कितना कॉस्ट लगा, 750 कॉस्ट लगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टॉय ओन अ डे, एक दिन टॉय का प्रोडक्शन कितना हुआ कॉस्ट उसका 750 रुपीस हुआ। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है, इस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस हुए, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस ऑन अ डे इसको हम क्या करेंगे, लेट एक्स कर लेंगे, ठीक है, दिया हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है, एक दिन में कितने टॉयस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम नंबर ऑफ
उसको हमने एक्स लेट किया। तो एक कोस्ट का, एक टू आई का कोस्ट कितना हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट ऑफ अ टॉय इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे, हमने कितना लिख लिया है, एक्स लिख लिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें पूछा है कि, हमें बोला गया है कि एक दिन क्या हुआ, कि एक दिन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, 750 रुपीज़ हुआ। तो हमें बोला है टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितनी होगी, हमें फाइन करना। देखिए अब ध्यान से केस को, इसका कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए एक टॉय का प्राइस इतना है, दैट मीन्स एक टॉय के प्राइस से अगर हम टोटल नंबर ऑफ टॉयज के टॉयज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्राइस मिल जाएगा जो हमें 750 दिया गया था। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 55 माइनस एक्स इंटू में नंबर ऑफ टॉयज, यानी टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने थे, वो टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं एक्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू हम फाइन कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 हो जाएगा। इन सबको सर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में 55 एक्स प्लस में 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके पार्ट वन अगर स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे 750 के दो पार्ट्स में पाने, एक हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो देखिए इसके कौन कौन से फैक्टर पड़ेंगे, 25 3 जो होता है 75, यानी 25 30 जो आपका 750 हो जाएगा, और ये दोनों का प्लस कितना हो रहा है, 55 हो रहा है, जिसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे और 25 को भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर आए हमारे पास, x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको हम अभी 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो ध्यान से देखिए x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30 आ गया और x इक्वल टू 25 आ गया। और x हमने किसको लेट किया था, x हमने लेट किया था कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या फाइन कर लिया, तो एक दिन में क्या नंबर ऑफ टॉयज, 30 टॉयज प्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर 25 टॉयज प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अभी नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे इच 30 और 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे बोला गया है ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ इच प्राइज इज 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइज देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ इच ऑफ दी प्राइज। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ऐसा बोला गया है कि 700 रुपीज़ का क्या है कैश प्राइज है, जिसको हमने 7 बच्चों में बांट दिया है। ठीक है, और 7 बच्चों में बांट दिया है। इसके बाद आगे ऐसा बोला कि हर एक प्राइज जो है उसके पहले वाले प्राइज से 20 रुपीज़ लेस है। हमें फाइन क्या करना है कि हर एक, यानी हर एक प्राइज कितनी रुपीज़ का होगा वो हमें फाइन करना है। अब ध्यान से देखिए टोटल प्राइस कितना है, 700 रुपीज़ है। ठीक है, टोटल प्राइस इतना है आपका, टोटल प्राइस है आपका 700 रुपीज़ है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने 7 बच्चों में बांट दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ से ऐसा बोला गया कि हर एक प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ लेस है उसके पहले वाले प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइस, इच रुपीज 20 लेस देन इट प्रीसीडिंग प्राइस। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हर एक प्राइस कितने का होगा वो हमें फाइन करना है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, टोटल प्राइस दिया गया वो हमारे पास SN हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SN इक्वल टू 700, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए गए 7, ये हमारे पास n हो जाएगा, n इक्वल टू 7। ठीक है, और यहाँ पे बोला है हर एक प्राइस जो है इसके पहले वाला प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है, तो यहाँ पे d हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला हमें याद है, SN इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये हो गया।
ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस एन कितना दिया गया 700, एन कितना हमें फाइन 7 दिया गया है, और टू ए हमें फाइन करना है, प्लस 7 माइनस 1 इंटू में डी कितना दिया गया है 20। ठीक है चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 700 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा यानी 100 जा, और 100 2 जा 200 हो जाएगा। तो 200 इक्वल टू 2a प्लस 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वो 200 माइनस 120 इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा इक्वल टू 2a। ठीक है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a, यानी कि आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू आपके पास 40 आ गया। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 40 आ गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अभी अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 40 आई और d की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, हमें दी गई थी 20, यानी कि इसमें बोला गया हर एक प्राइस जो है उसके पहले वाले प्राइस से कितना है 20 कम है। ठीक है तो ये प्राइस कितना है 40 है, ये कितना इसके पहले वाले प्राइस से 20 कम हो गया, यानी दूसरा वाला प्राइस कितना होगा 60 होगा, ये 40 होगा तो इसके पहले वाला क्या होगा 60 होगा, तभी तो इससे 20 कम होगा। ये कितना होगा, ये आपका 80 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 120 हो जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा 140। इसे टोटल कितने प्राइस थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया। ठीक है तो हर एक प्राइस कितना होगा वो हमने फाइन कर लिया। चलिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे बोला गया है दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो दी डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी, दी मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, फाइंड दी मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है हमें क्या किया यहाँ पे डेटा दे दिया गया है और हमें क्या दिया गया है, मीन हमें दे दिया गया है, हमें बोला कि एफ की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोला गया है और हमें मीन दे दिया गया है। देखिए मीन कितना दिया गया है हमें, मीन हमें यानी कि एक्स बार हमें दे दिया गया है, कितना दिया है 18 दे दिया गया है। ठीक है हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारे पास मीन का फॉर्मूला। ठीक है हमें क्या करना होगा, हमें एफ आई की वैल्यू फाइंड करनी है और इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमें एक्स बार दिए, हमें ए एफ आई डी आई और एफ आई ये सब कुछ फाइंड करना होगा। चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई के बाजू में एक्स आई का टेबल बनाएंगे। ठीक है अब एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है इस क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है तो आपका 1 + 3 कितना तो 4 हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे देखिए 12 कितने कितने का डिफरेंस है, 12 13। ठीक है तो यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस, दो दो का डिफरेंस आ रहा होगा। देखिए इसके हम प्लस और डिवाइड करेंगे आपका 14 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे हमें फाइन करना है di। अब देखिए di क्या कैसे फाइन करेंगे, एक्स आई माइनस ए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f को हम क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे और f को हम क्या करेंगे सॉल्व करने वाले, क्योंकि हमें क्या फाइन करना है, f फाइन करना है। तो f के सामने वाला जो एक्स आई होगा उसको हम a लेट कर लेंगे। ठीक है उसको हमने क्या लेट कर लिया, ए लेट कर लिया। हमें क्या फाइन करना है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है 12 - 20 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 14 - 20 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 20 - 20 0 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइन करना है, एक्स आई एफ आई इंटू डी आई करना है। देखिए एफ आई इंटू डी आई करना है, तो ये रहा हमारे पास एफ आई है, ये रहा हमारे पास डी आई, इसको मल्टीप्लाई कर देते। देखिए 7 + 8 कितना का 56 होगा, तो -56। ठीक है तो 14 + 6 का कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी 6 + 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो -36। ठीक है 9 + 4 कितना 36 हो जाएगा, ये 13 + 2 आपका 26 हो जाएगा, f इंटू 0 0 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये 4 + 4 = 16 हो जाएगा। इन सब का प्लस करते देखिए ध्यान से, 10 + 16 26 हो जाएगा, तो ये 26 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो 56 हो गया, ये आपका 36 हो गया, ये आपका 36 हो गया, ये सब का आपका प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, -128 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, इसी तरीके से हम सिग्मा एफ आई फाइन कर लेंगे। इन सब का सम फाइन करेंगे, देखिए 7 + 9 + 7 + 6 + 9 + 13 + 5 +
फोर, इन सब का प्लस करेंगे आपका 44 आ जाएगा और प्लस एफ, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई क्या आ गया हमारे पास, 44 प्लस एफ आ गया। इन सभी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या मिला, ए की वैल्यू हमें 20 मिल गई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें 44 प्लस एफ मिल गया, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू -128 मिल गया है, ठीक है। और एक्स बार की वैल्यू हमें कितना दी गई है, एक्स बार की वैल्यू हमें कितना दी गई है, 18 दी गई है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले में हम ये सबको पुट कर देते हैं। देखिए मीन कितना था हमारे पास, 18 था, ए कितना था 20 था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना था -128 था, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना था 44 प्लस एफ था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 18 है इसको इससे लेंगे -20 हो जाएगा, ये आपका -128 अपॉन में 44 प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। 18 -20 कितना हो जाएगा, 18 -20 आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, तो -128 अपॉन में 44 प्लस एफ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए ध्यान से -2 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल टू -128, ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये आपका 4 2 8 88 प्लस 2f हो जाएगा इक्वल टू 128, ठीक है। तो 2f इक्वल टू 128 माइनस 88 हो जाएगा, 2f इक्वल टू, देखिए 8 में से 8 गया आपका 0 हो जाएगा और 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 12 में से 8 गया आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो f इक्वल टू 20 जो होगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, f की वैल्यू फाइंड कर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे बोला गया है, साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन ए सर्वे ऑफ 200 फैमिलीज इज गिवन, ठीक है। यानी एन की वैल्यू हमें 200 दी गई है और ये रहा, ये हमारे पास क्या दिया, टेबल लिया गया। हमें क्या फाइन करने को बोला, हमें मीडियन फाइन करने को बोला, चलिए इसको भी फाइन करते हैं। क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 200 दी गई है, डैट मीन्स एन बाई 2 कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्लास का रो दिया गया है, यानी क्लास का कॉलम दिया गया है, एफ आई का कॉलम दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी एफ का कॉलम बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो हमें सी एफ फाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सी एफ का हमने क्या किया, कॉलम बनाया, अब सी एफ कैसे फाइन करेंगे, जो 10 लिखा सबसे पहले 10 लिखेंगे, ठीक है। 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, ठीक है। एक बार 25 होगा, 25 प्लस 30 आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 प्लस 80 कितना करेगा, 8 प्लस 5, 8 प्लस 2 कितना, 10 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 प्लस 40 देखिए 130 प्लस 40 कितना, 170 हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा और 175 प्लस 20 देखिए 770 प्लस 20 कितना, 190 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 195 और 190 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइन किया, सी एफ का हमने कॉलम फाइन कर लिया। अभी हम क्या करें, देखिए n बाई 2 की वैल्यू हमारे पास 100 आई थी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 100 कहाँ पे लाई करेगा, 55 के बाद 100 आता है, यानी ये वाले जो रो है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जो होगा ये हमारे पास सी एफ की वैल्यू होती है, ये हमारे पास एफ की वैल्यू होती है, ये हमारे पास एल की वैल्यू होती है और एच कितने कितने का डिफरेंस है, 5-5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5, ठीक है। ये सभी को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए एल की वैल्यू कितनी हमने फाइन की थी, 15, एन बाई 2 की वैल्यू हमने फाइन की थी 100, सी एफ की वैल्यू कितनी फाइन की थी, 55, एफ की वैल्यू कितनी फाइन की थी, 80 और एच की वैल्यू हमने कितनी फाइन की थी, 5, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले में हम सभी सबको पुट कर देते हैं, तो एम इक्वल टू 15 प्लस एन बाई 2 यानी 100 माइनस 55 अपॉन में एफ कितना है, 80 इंटू में एच इक्वल टू, तभी हम यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस 100 माइनस 45, अब 55 आपको हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 80 और h की वैल्यू हमारे पास 5 थी, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए 5 से कट होगा, यस 5 वन जा
ये हो जाएगा 5 1 जा, अब 5 6 7 8, 5 6 जा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 प्लस ये हो जाएगा आपका 45 डिवाइड बाई 16, 45 डिवाइड बाई 16। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 45 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो 16 16 16 2 32 हो जाएगा आपका, ठीक है। 16 3 आपका कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पे 16 2 हम क्या करेंगे, 32 लिखेंगे, ठीक है। अब 5 में से 2 आपका हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। 4 में से 1 हो जाएगा 3 1, ठीक है। इसको पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे। देखिए यहाँ पे आपका 16 8 हो जाएगा आपका 128 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये पॉइंट में इसका 2.8 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 15 प्लस इसको डिवाइड करने पर आंसर आया हमारे पास 2.8, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा, 17.8, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीडियन m इक्वल टू 17.8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे बोला गया है, देयर आर 5 white 7 red and 4 black and 2 ball आइडेंटिकल, 2 blue आइडेंटिकल बॉल आर इन अ बॉक्स, 1 ball इज सिलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम अ बॉक्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आइदर वाइट और ब्लू, आइदर रेड और ब्लैक, नॉट वाइट नाइदर वाइट नॉर ब्लैक, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखिए, हमें बोला गया कि हमारे पास 5 white ball है, 7 red ball है, 4 black ball है और 2 blue ball है, ठीक है। ये हमें बोला गया है, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बॉक्स इक्वल टू 5 plus 7 plus 4 plus 2। देखिए ध्यान से, 5 plus 2 आपका कितना 7 हो जाएगा, 7 plus 7 आपका 14 हो जाएगा और 14 plus आपका 4 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 18 है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी आइदर वाइट और ब्लू, ठीक है। किसका फाइंड करना है, आइदर वाइट और ब्लू, ठीक है। तो बॉल या तो वाइट हो या तो ब्लू हो, ऐसे कितने हैं, देखिए ध्यान से, 5 white है और 2 blue है। तो कितने हुए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कितने हुए, 5 plus 2 7 हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इक्वल टू आइदर वाइट और ब्लू, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, फेवरेबल आउटकम यानी कि ऐसे कितने बॉल है जितने आइदर वाइट हो या आइदर ब्लू हो, तो देखिए 5 white के हैं और 2 blue के हैं, तो 5 plus 2 कितना हो गया, 7। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हुए, 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, तो पी ऑफ ए इक्वल टू आर बाई एन, आर की वैल्यू कितनी है 7 और एन की वैल्यू कितनी है 18, ये आपका 7/18 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसके सेकंड नंबर में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन 2 में हमसे क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, इफ आइदर रेड और ब्लैक, ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, आइदर रेड और ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल आइदर रेड और ब्लैक कितने हैं, देखिए आइदर हमें क्या चाहिए, रेड चाहिए या तो ब्लैक चाहिए। तो रेड के कितने थे, रेड के हमारे पास 7 थे और ब्लैक के कितने बॉल थे, ब्लैक के हमारे पास 4 बॉल थे, ठीक है। तो 7 plus 4 कितना हो गया आपका, 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ चलिए आगे सोल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट बी इक्वल टू आइदर रेड और ब्लैक बॉल, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो पी ऑफ
बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू आर बाई एन, आर की वैल्यू हमने 11 फाइंड की और एन यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने थे हमारे पास 18, ये हमारा क्या हो गया 11 बाई 18 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है चलिए, इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है नॉट वाइट, वाइट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो क्या होगा चलेगा। चलिए देखिए, तो हम लिखेंगे कि ऐसे कितने बॉल हैं जो कि वाइट नहीं हो, तो यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, कितने देखिए वाइट नहीं हो तो क्या है 5 वाइट थे, हमें वाइट नहीं चाहिए, यानी 7 रेड हो गया, 4 आपका ब्लैक हो गया, 2 आपका ब्लू हो गया, ये कितना हो गया देखिए 7 + 4 = 11 हो गया, 11 + 2 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है 11 + 2 कितना हो गया 13, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। फेवरेबल आउटकम को हम क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। हम लेट करेंगे लेट सी इक्वल टू नॉट वाइट, ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ऑफ सी इक्वल टू आर बाई एन, और आर की वैल्यू हमने कितने फाइंड की 13 और एन के टोटल नंबर ऑफ बोल्स कितने थे 18, तो 13/8 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है इसके क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है नाइदर वाइट नोर ब्लैक, ना तो वाइट होना चाहिए ना तो ब्लैक होना चाहिए, यानी वाइट और ब्लैक को निकाल लेना है और बाकी जितने बॉल बचे उनकी हमें क्या करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके अंदर हमें ना तो वाइट हो ना तो ब्लैक हो। चलिए इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फेवरेबल यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल नाइदर वाइट नोर ब्लैक, ठीक है ऐसे कितने बॉल है जिसके पास वाइट ना तो वाइट हो ना तो ब्लैक हो, देखिए वाइट कितने थे 5 वो हमें नहीं चाहिए तो 7 रेड हो गया, अब ब्लैक कितने थे ब्लैक 4 वो भी हमें नहीं चाहिए तो हमें 2 ब्लू हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए 7 + 2 आपका कितना हो जाएगा 9। ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट डी इक्वल टू नाइदर वाइट नोर ब्लैक, ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू आर बाई एन, और आर की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की 9 और टोटल नंबर ऑफ बोल्स थे हमारे पास 11, यानी कि 9 1 जा 9 2 जा, ठीक है तो हमारा फाइनल आंसर 1/2 आपका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 53 समाप्त होता है। ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 54 आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे बोला गया है 5 कार्ड d10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफर्ड विच डेट फेस डाउनवर्ड, ठीक है 1 कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, ठीक है यहाँ पे 5 कार्ड हमें दिया गया है 10 है जैक है क्वीन है किंग है और एस डायमंड का एस है, ठीक है इनको क्या किया वेल सफर्ड क्या किया यानी कि फेस कार्ड के साथ क्या किया गया मिक्स कर दिया गया। तो पहले नंबर में हमसे बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ क्वीन, देखिए ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी कि कार्ड क्वीन की हो इफ़ द क्वीन इज ड्रोन एंड पुट असाइड, ठीक है अब उन 5ों कार्ड में से डायमंड के जो 5 जो फेस कार्ड थे उनमें से हमने क्या किया क्वीन को उठा के बाजू में रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप एज एन एस, ठीक है तो जो 4 कार्ड बचे उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एस का कार्ड हो और क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन का कार्ड हो, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमें टोटल 5 कार्ड दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं 5 फेस कार्ड दिए गए डायमंड के, कौन कौन से एक तो 10 है दूसरा जैक है तीसरा क्वीन है चौथा किंग है और 5वां एस, ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास 3 फेस कार्ड दिए गए हैं और एक 10 का और एक एस का कार्ड हमें दिया गया है। ठीक है अब हमें क्या बोला है कि इन कार्डों को हमने क्या किया वेल अच्छे से सफल कर दिया और उनको उल्टा मुँह करके रख दिया है, हमें इसका पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द कार्ड इज अ क्वीन, कार्ड इज अ क्वीन क्वीन की कार्ड हो ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए ध्यान से देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 5 हैं 10 जैक क्वीन किंग एस, ठीक है सबसे पहले हमें बोला गया कि कार्ड इज ए क्वीन, यहाँ पे लेट करेंगे लेट ए इक्वल टू
कार्ड ऑफ अ क्वीन, क्वीन की कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फेवरेबल आप कार्ड करेंगे, कार्ड ऑफ अ क्वीन कितने हैं, कार्ड ऑफ अ क्वीन, इस पांचों कार्ड में से क्वीन की कार्ड कितनी थी, एक ही थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि पी ऑफ ए इक्वल टू आर बाई एन, आर की वैल्यू कितनी हमने फाइन की वन, और एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने थे, ये एन होगा, तो एन हो जाएगा पाँच, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन की कार्ड हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन बाई फाइव, ठीक है। इसके सेकेंड नंबर में हमसे बोला गया है, देखिए इसके सेकेंड नंबर में हमसे क्या बोला गया है, ऐसा बोला गया कि इफ़ क्वीन इज ड्रोन एंड पुट असाइड, ठीक है। पांच कार्ड थे, कौन कौन से, हमारे पास टेन था, जैक था, क्वीन था, किंग था और एश था, ठीक है। इसमें से जो क्वीन वाली है इसको हमने उठा के बाजू में रख दिया, तो अभी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे, चार बचे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड आफ्टर पुट क्वीन असाइड, ठीक है, क्वीन को बाजू में रख दिया, तब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बचे, चार हुए, ठीक है। अभी हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, अभी हमारे पास एन की वैल्यू फोर है। हमने क्या किया है, देखिए अभी हमें क्या करना है, हमें करना है लेट, लेट बी, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइन करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइन करनी है इसका कि वो कार्ड कौन सा है, एस है, ठीक है। सेकेंड नंबर में ए में हमें पूछा गया है कि कार्ड कौन सा हो, एस का हो, तो हमने उसका क्या किया, लेट बी इक्वल टू एन एस कार्ड। देखिए चार में से हमने किन चारों में से क्वीन को बाजू में निकाल लिया, तो इसमें से एस कितने बचे, एक ही बचा, ठीक है। तो एस के कार्ड कितने हैं, वन है, यहाँ पे लिखें कार्ड ऑफ एस इक्वल टू कितना बचा, वन, ठीक है। हमें क्या फाइन करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइन करना है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये लिखेंगे पी ऑफ बी इक्वल टू आर बाई एन, आर की वैल्यू हमारे पास वन है और एन की वैल्यू फोर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके ही सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बी में हमसे बोला गया है कि अ क्वीन, अब देखिए ध्यान से, पांच कार्ड थे उसमें से हमने क्या किया, क्वीन को उठा के बाजू में रख दिया, क्योंकि क्वीन का हमें कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो क्वीन को उठा के बाजू में रख दिया, तब उसके अंदर क्वीन है ही नहीं, और उसको हमें पूछ रहा है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी होगी, जीरो, ठीक है। लिख लेंगे लेट सी इक्वल टू अ क्वीन कार्ड, ठीक है। तो क्वीन कार्ड कितनी है, क्वीन कार्ड जीरो है, जब क्वीन कार्ड जीरो है तो पी ऑफ सी, यानी पी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी होगी, आर बाई एन, आर क्या है जीरो, एन क्या है आपका फोर है, तो जीरो बाई फोर आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर थ्री का सेक्शन डी समाप्त होता है। इसके पहले अभी तक हमने क्वेश्चन पेपर नंबर टू और क्वेश्चन पेपर नंबर थ्री सबके सभी सेक्शन अच्छे से सॉल्व करवा दिए है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर नंबर फोर लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।